हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से और एक एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई करण वीर जो है, के भी जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि बिग बॉस का घर है ये, बिग बॉस। तो भाई के भी, ये बिग बॉस का घर नहीं है, ये है लॉकअप। बिग बॉस के घर में क्या होता है, चीटिंग्स हो जाती है। बिग बॉस चलो जाने देते हैं कि चलो जो टीम जीतता है जीतने है, तो पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चीटिंग नहीं कर सकता है कोई भी। ये शो जो है काफी अलग शो है। ये है लॉकअप एकता कपूर का और क्वीन कंगना रनौत का लॉकअप है। तो यहाँ पे चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी भाई। मैं खुशी, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। तो शिवम जो है शारा पर लाइन मारे जा रहे, सूत्र कहीं दाल गल जाए भाई। पर दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, क्योंकि शारा जो है बिग बॉस के टाइम पे कुछ अलग थी और अभी के टाइम पे वो काफी चेंज हो चुकी है। बहुत सोच समझ के कुछ भी करती हैं, गेम में भी और लाइफ में भी। तो यहाँ तो नहीं लगता मुझे कि कुछ दाल गलने वाली हो, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। शिवम का जो है वो चुलबुलापन जो है वो थोड़ा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऐसे इस तरह से डांस वांस कर लेते हैं वो काफी अच्छा लगता है। मुनावर जो है काफी अच्छे हैं और वो यहाँ सिर्फ अपने इमेज सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि वो गेम भी खेल रहे हैं, गेम के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिल से भी खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए भी खेल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दिमाग से खेल रहे हैं वो। और अंजलि अंजलि अरोड़ा ये जो है ये काफी रियल लग रही है, तो जो भी कर रही है रियलिटी के साथ कर रही है। पर उन्होंने बताया कि उनके जो मम्मी पापा हैं यानी पेरेंट्स से जो उनके इस वीडियो बनाने वाले इस तरीके से तो गुस्सा हो रहे थे, ये वो उन्होंने अपने रियल स्टोरी बताई वहां पे। और गोल्डन टास्क में जो हुआ वो पूनम पांडे में जो भी बोला वो सही बोला, वो यहाँ पे आई है तो उनको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी है मेरे पास खुद को दिखाने का, खुद को मतलब सही साबित करने का, तो वो अपना बोल रही है। और इसकी वजह से वो हर झगड़े में घुस रही है, टारगेट कर रही है पायल रोहतागी को और सारा को भी टारगेट कर रही है। तो वो सारा को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो बड़े नाम है और बिग बॉस से आ चुके हैं, तो ये लोग उनसे ज्यादा ही बड़े हैं, बड़ा उनका नाम है, काम है, तो इस वजह से वो उन लोगों को टारगेट कर रही है ताकि वो आगे उन लोगों के साथ साथ वो भी आगे 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 वो बढ़ सके। यानी वो गेम को सीरियसली ले रही है, लॉकअप को सीरियसली लेके गेम को खेल रही है और यहाँ रहने की कोशिश कर रही है। साइशा जो है बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, वो एक ड्रेसअप अलग टाइप का उन्होंने बनाया है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है इस काम को। 5 लोग हैं जिसके खिलाफ चार्जशीट जमा हुई है। तो ये 5 लोग हैं, साइशा चक्रपाणि महाराज हैं और शिवम है, सिद्धार्थ है और मुनावर है। इन 5ों के खिलाफ चार्जशीट जमा हुई है भाई। शिवम जो है काफी फनी है, काफी वो जो है वह करते हैं और काफी इंटरटेन कर रहे हैं, और उन्होंने अपना यहाँ पे लव एंगल भी ढूंढना शुरू कर दिया है, तो इसकी वजह से वो आगे तो दिखने ही वाले हैं। तो अपना उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया, यहाँ कैसे रहना है। सिद्धार्थ जो है वो काफी स्ट्रांग प्लेयर है, वो काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और उन्होंने भी थोड़ा अभी अंजलि के साथ थोड़ा बहुत लपलपाटा शुरू कर दिया है। और मुनावर जो है वो काफी ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, कंटेंडर है, और उन्होंने दिमाग से खेलते हैं, अपना समझदारी से, दिमाग से और दिल से भी खेलते हैं और अपने फ्रेंड्स के लोगों के लिए भी खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शो में रिलेशन बनाते हुए खेलना और आगे जाना काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी बचे शाइशा और चक्रपाणि महाराज, तो इन दोनों में से कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, मुद्दा मिलता है तो भी झगड़ते झगड़ते नहीं है ना, कुछ बोलते हैं, कुछ मुद्दे पे बोलना चाहिए, कुछ टॉपिक मिले तो बोलना चाहिए, अपनी बात को एटलीस्ट रखनी चाहिए, पर कुछ नहीं है भाई। शाइशा भी इधर उधर, हाँ कैसे हो, क्या कर रहे, यही सब कर रही है। और चक्रपाणि महाराज भी, उनको बस दूध चाहिए, उसके अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इन दोनों में से ही अब कोई घर जाने वाला है भाई। तो फिर उसके बाद टीम बनती है शिवम वर्सेस करण, पुणे वाला वर्सेस मुनावर, आरा वर्सेस बबीता, अमी जी वर्सेस पूनम, निशा वर्सेस अंजलि, साइशा वर्सेस सिद्धार्थ, तो ये सब टीम बन गया भाई। ऑरेंज टीम जो है ना वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कि हाँ भाई हम तो जीत ही जाएंगे। आज का जो शो है काफी ऐसे
ऐसे ऐसे जैसे तैसे गया, डल टाइप का गया है थोड़ा। मुझे तो इंतजार था कि कब करण कुंद्रा आएंगे, पर वो आए ही नहीं शो में आज में, तो हमें इंतजार रहेगा कि वो कब आते हैं शो में। तो देखेंगे हम लोग कि करण कुंद्रा जब आते हैं तो शो में क्या धमाल मचता है, कहाँ तक जाती है शो की TRP। तो मुझे तो लगता है काफी छलांग मारने वाला है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।